हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुचिका एजुकेशन हब। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये टॉपिक जो है हमारे डीएलएड स्टूडेंट्स, बीएड और नेट एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग से। मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। द वर्ड इंक्लूजन मीन द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग अ पर्सन इन अ ग्रुप एक्टिविटी so that he can get access to all opportunities like any other member of the group। ठीक है, inclusion का मतलब होता है इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी इंसान को किसी activity में जो कि किसी group में हो रही है उसमें क्या कर रहे हैं, उसको equal opportunities दे रहे हैं बाकी members की तरह, ताकि वो actively participate कर सके और उसमें वो काम कर सके। In other word, inclusion is the acceptance of all type of learners, whether disabled, non-disabled, gifted, बैकवर्ड, माल एडजस्टेड। ठीक है, कि इंक्लूजन का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी भी तरह का लर्नर हो, कि हमारी क्लासरूम में किसी भी तरह का लर्नर है, चाहे वो फिजिकली डिसेबल है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो गिफ्टेड है, चाहे वो बैकवर्ड है, चाहे वो माल एडजस्टेड, मीन्स किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसके साथ, या वो गिफ्टेड है, राइट। उस किसी भी तरह के बच्चे को जब हम रेगुलर क्लासरूम में इंक्लूड करते हैं तो उसे कहते हैं हम इंक्लूजन, मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन देना। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन ऑफ स्पेशल नीड इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंक्लूजन इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स द फुल पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर इरिस्पेक्ट ऑफ रेस, क्लास, जेंडर, डिसेबिलिटी, रिलीजन, सेक्शुअल प्रेफरेंसेस, लर्निंग स्टाइल एंड लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू कहते हैं नेशनल कमीशन ऑफ स्पेशल नीड्स इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जिसके जिसमें हम लर्निंग एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को भी, जो कि चाहे वो एकेडमिकली है, प्रोफेशनली डेवलपमेंट के लिए उसकी, चाहे वो लर्नर जो है किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है उसके अंदर, किसी भी धर्म से वो संबंध रखता है, ठीक है, कैसे भी लर्निंग स्टाइल है उसका, कोई भी लैंग्वेज का है, कहते वो किसी भी तरह से हमको क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे और उसको हम फुल टाइम उस एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करेंगे, उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हमें कोई कहे कि नीड और इम्पोर्टेंस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि क्या जरूरत है कि हमें समावेशी शिक्षा देने की जरूरत है, तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स, कि स्किल की डेवलपमेंट के लिए इंक्लूसिव एनवायरमेंट हेल्प टू डेवलप द वेरियस स्किल्स इन द लर्नर। जो इंक्लूसिव एनवायरमेंट है, कहते वो हेल्प करता है किसी भी लर्नर को जैसे डेवलप कर सके डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को, सच एज कौन कौन सी स्किल्स, कोऑपरेटिव स्किल्स, टॉलरेंस एक्सेट्रा। स्टूडेंट मे नो अबाउट ईच अदर पर्सनैलिटी इन एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, कि जब नॉर्मल बच्चा, डिसेबल बच्चा और सभी तरह के जो भी स्पेशल नीडी बच्चे हैं जब वो साथ में पढ़ते हैं, तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, उनको टॉलरेट करना, उनके एटीट्यूड को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनकी हर एक चीज को समझने के साथ साथ वो क्या है, उन चीज को समझना शुरू हो जाते हैं और उससे उनका जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा हेल्दी हो जाता है। नंबर टू, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर आत्मसम्मान को बढ़ाना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को जो है वो बिल्ड करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो कहते हैं प्रोवाइड करते हैं लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, क्योंकि उसमें कम से कम रिस्ट्रिक्शंस होती है एनवायरनमेंट में फॉर डिसेबल लर्नर, वेयर दे कैन इजिली शेयर देयर व्यूज विद अदर चिल्ड्रन and can participate in activities like normal children। बिल्कुल normal children वो क्या कर सकते हैं, activities में participate कर सकते हैं, अपने views रख सकते हैं, ठीक है। As a result, it add in the development of confidence in disabled children। उससे क्या होता है, जो disabled children है हमारे, उनको क्या है, उनका confidence जो है boost होता है, क्योंकि वो भी उनके साथ बैठकर हर एक चीज कर रहे हैं, हर एक activity में participate कर रहे हैं, तो उनका जो confidence level है वो ज़्यादा boost up होता है। Next, development of society, समाज का विकास के लिए या उसकी डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी डेवलप विद द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द एजुकेशन पीपल, ठीक है। किसी भी समाज की जो है, जो हम डेवलप कर रहे हैं उसकी जो स्ट्रेंथ हम कैसे कर सकते हैं, कि जितने से ज्यादा हो सके हम उसकी जो नेशन है उसको एजुकेट करें। द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम इज मेड पॉसिबल बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। कि अगर हम कहेंगे एजुकेशनल सिस्टम में अगर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं हम, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो कैसे आएगा वो, इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू ही वो आ सकता है। With better education system, the growth of student take place in a better way and they can have a positive impact on society. ठीक है, अगर कहते हैं हम उनको inclusive education के through पढ़ाएंगे, तो
तो स्टूडेंट्स में जो है वो अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में आएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, समाज की भलाई के लिए डेवलपमेंट ऑफ द नेशन विथ मार्जिनलाइज्ड पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कहते हैं जब हम मार्जिनलाइज कर देते हैं पॉवर्टी के कारण या डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू, जो अगर हम वो सब चीजें करते हैं तो जो डेवलपमेंट है नेशन की वो डिफिकल्ट हो जाती है। ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, कहते हैं ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं अपने क्लासरूम से, तो सो दैट द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन टेक प्लेस इन अ गुड वे, ताकि जो नेशन की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प टू डेवलप द सेल्फ कॉन्सेप्ट इन द लर्नर, ठीक है, आत्म प्रत्यय, जिसको कॉन्सेप्ट मीन्स प्रत्यय, आत्म प्रत्यय को बढ़ाने के लिए विद द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट लर्नर कैन इजिली अंडरस्टैंड देमसेल्फ, ठीक है, कि जब हम बच्चे को अपने आप के बारे में समझना सिखा देते हैं तो वो जो उसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छे से होती है, उसकी डेवलपमेंट जो है ज्यादा अच्छे से होती है। दे कैन नो अबाउट देयर स्ट्रेंथन्स एंड वीकनेस, वो अपनी जो भी उनकी स्ट्रेंथ है और जो वीकनेसेस है उनको अच्छे से वो जान पाते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं इज नीडेड टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूईई की सफलता के लिए कहते हैं हमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी, सॉरी, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू एसएसए सर्व शिक्षा अभियान यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट द इंक्लूजन, कहते अगर हम इंक्लूजन नहीं करेंगे तब तक हम यूईई को अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आधी दुनिया को पढ़ा रहे हैं और जिनको प्रॉब्लम है डिसेबल्ड उनको पढ़ा नहीं रहे, तो आप कैसे बोलेंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन आएगी, राइट, वो नहीं आएगी। तब तक हम जो अपना मोटो है कि हम सभी को पढ़ाएंगे वो तो पूरा ही नहीं हो सकता, राइट। सो नेक्स्ट इज टू अचीव सोशल इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी को लाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन इज नीडेड टू अचीव सोशल इक्वलिटी, सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो सबको प्रोवाइड करवाती है, वो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट ऑल द लर्नर वेदर डिसेबल या नॉन डिसेबल इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज को और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उनको इंजॉय करते हैं, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है वहाँ पे। दस इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प टू अचीव द इक्वलिटी इन द सोसाइटी, तो अगर कहते हैं सोसाइटी में इक्वलिटी लाना चाहते हैं आप तो इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।